हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो होती है सिरके वाली प्याज। हम कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें लंच या डिनर के साथ ये सर्व की जाती हैं, तो आज हम इन्हें घर पर ही तैयार करेंगे। आइए देखिए इसे तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने कुछ अनियन ले लिए हैं, ये थोड़े छोटे साइज में हैं, ये थोड़ा सा मैंने बीट रूट लिया है, इससे इसमें बहुत ही प्यारा गुलाबी कलर आएगा। साथ में ये मैंने दालचीनी के दो टुकड़े लिए हैं और ये चार पांच मैंने काली मिर्च ले ली है और ये दो लौंग हैं। ये एक चम्मच मैंने शुगर ली है, साथ में ये थोड़ा सॉल्ट लिया है, सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा पानी है, देखिए जितना हम पानी लेंगे उतना ही हमें विनेगर लेना होगा और ये विनेगर है। तो आइए बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इन अनियन के बीच में इस तरीके से कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि इनके अंदर विनेगर अच्छे से चला जाए। देखिए हमने ये सारी अनियन कट लगा करके तैयार कर ली हैं। अगर आपके अनियन थोड़ी बड़े साइज में है तो आप इनके फोर पीसेस कर सकते हैं। हमने जो ये खड़े मसाले लिए हैं हम इनको थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे ताकि देखिए फ्रेंड्स, हम एक पैन लेंगे, उसे गैस पर रख देंगे। गैस चला दी है मैंने, इसमें मैं ये पानी डाल दूंगी और इसे बॉईल होने दूंगी। देखिए पानी बॉईल होने लग गया है, अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे इसमें जो हमने क्रश कर लिए हैं। ये बीट रूट भी डाल देंगे। ये शुगर डाल देंगे। ये सॉल्ट डाल देंगे और इसे थोड़ी सी देर हम बॉईल होने देंगे ताकि इसका कलर अच्छे से पानी में निकल जाए। और जी जो ये हमने दालचीनी और काली मिर्च और ये सब डाला है, इसकी जो इसका जो टेस्ट है वो सारा का सारा पानी में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉईल होके तैयार हो गया है। अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको, ये मैंने थोड़े बड़े बाउल में ये अनियन रख लिए हैं, अब इसको हम इसमें छान देंगे। और इतनी ही मात्रा में हम इसमें विनेगर डाल देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी सिरके वाली प्याज। देखिए इसके बारे में मैं आपको दो तीन बातें बता दूं कि जैसे हमें ये प्याज शाम के टाइम खानी है तो हम इन्हें सुबह तैयार कर सकते हैं, और अगर हमें लंच में खानी है तो हम इन्हें रात में ही तैयार कर दें। तो इसे तैयार होने में दो तीन घंटे लग जाते हैं, इसका बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट 4-5 घंटे में आ पाता है। अगर आप प्याज के लच्छे बनाते हैं तो आप तुरंत ही इस सॉल्यूशन में डाल करके प्याज तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें इसे किसी कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में ही तैयार करना चाहिए, इसे किसी मेटल वाले बर्तन में नहीं रखना चाहिए। और एक बात और है कि जब हमारी ये अनियन खत्म हो जाएंगी इसमें से, तो हम इस सॉल्यूशन में हम और अनियन इस तरीके से कट लगा करके डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें दो तीन बारी इस सॉल्यूशन को हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है प्याज और आप इन्हें जरूर बनाइएगा और इसे लंच और डिनर के साथ जरूर सर्व कीजिएगा। इससे आप देखिए आपके खाने की शान 10 गुना बढ़ जाएगी, सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और
अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।